क्या हुआ? फोन लग नहीं रहा या उठा नहीं रहा? पूछा, फोन उठा क्यों नहीं रहा? वो अब तुम्हारा फोन कभी नहीं उठाएगा। जब भी इस कमीने को देखता हूं तो मेरा खून खोलने लगता है। देखा था आपने, कैसे देख रहा था वो आपको? इसका हौसला बहुत बढ़ गया है साईं। खून तो मेरा भी बहुत खोलता है, बहुत खून खोलता है। दिल का पैस को मैं अभी अभी की अभी खत्म कर दूंगा। लेकिन बाबा साईं, इलेक्शन की फिक्र है उन्हें मुझसे ज्यादा। इलेक्शन ना हो गए क्या हो गए? ये बात तो ठीक है साईं, मगर मखदूमाबाद वाले ये समझते हैं कि आप डर गए हैं इससे। मैं डर गया हूं। आप तो भूल गए होंगे, लेकिन सारे मखदूमाबाद वालों को याद है कि इसकी वजह से आपकी बारात खैरू के घर से वापस आई थी। और बारात का वापस आना आप जानते हैं लोग क्या समझते हैं साईं। इसका कोई इंतजाम करना पड़ेगा। मुझे तो डर है कि कहीं इलेक्शन लड़वाने का ख्वाब साईं का अधूरा ना रह जाए। क्या बोल रहे मल्ली? इसकी इतनी हैसियत, ये पीर मखदूम अली के सामने खड़ा हो, मेरे सामने खड़ा होगा ये दो कौड़ी का रिपोर्टर। खड़ा हो गया है साईं। मैंने आपको कहा था ना, आप इन बड़े लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसे आप जेल भजवाने का सोच रहे थे, अब वो असेंबली का इलेक्शन लड़ेगा, फिर वजीर बनेगा। मखदूमाबाद पर ही नहीं, पूरे मुल्क पर हुकूमत करेगा वो। आपके और मेरे जैसे लोग सिर्फ बातें बना सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। एक बात और रिपोर्टर बाबू, आप ट्रेन की पटरी पर होने वाले 4 कत्लों को रो रहे हैं, यहाँ तो दरिया से मिलने वाली 12 लाशों का सुराग ना लग सका अभी तक। आप हैं भोले बादशाह, मेरी बात माने ना, छोटे साईं से ना हाथ मिला लें, हो सकता है वो आपकी जान बख्शी कर दें। ये जो लड़ाई है ना रिपोर्टर बाबू, अपने बराबर वाले लोगों से ही लड़नी चाहिए। इस बात पे सोचिएगा ज़रा।